उधर आपको बता दें कि हिसार के कृष्णनगर में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और 2 सालों की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से तीनों पर गोलियां दागी। बताइए जा रहा है आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, लेकिन उसका किसी बात को लेकर पत्नी से पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद जब दोनों सालों ने बीच बचाव किया तो युवक को गुस्सा आ गया। हत्या करने के बाद आरोपी राकेश पंडित मौके से फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया कि राकेश शर्मा का अपनी पत्नी के साथ में कोई घरेलू विवाद था, उसी संबंध में उनके 2 साले भी यहाँ पर आए हुए थे। कुछ आपस में कहा सुनी होने के बाद में उसने 3 व्यक्ति को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। तो अभी हमारी एफएसएल की टीम भी आने वाली है और हम घटना की देखभाल कर रहे हैं। अभी जो पड़ोसी थे या जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों बच्चे हैं वो भी उसके साथ ही स्कूटी पे गए हैं, लेकिन हम वो भी पता कर रहे हैं कि एक्चुअली बच्चे अभी कहाँ गए हैं।